जो ने देखा, टीवी पर देख रहा था, मुंह सूखा हुआ था। अरे अगर प्रधानमंत्री को इतना आत्मविश्वास है 400 पार का, तो ये मुंह क्यों सूखा हुआ है? मीडिया डेमोक्रेसी का एक स्तंभ है, आपकी भी जिम्मेदारी है सारी पब्लिक को बताना। अगर इतना ही मैग्नेट था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, तो सीटें जीत के आ जाते, विधायक जीत के आ जाते, सांसद जीत के आ जाते। आप 7 दिन के लिए ईडी हमें दे दीजिए, मोदी जी आ जाएंगे हमारे पास, लिख लीजिए। और हो सकता है, हो सकता है प्रतियोगिता होगी, पहले कौन आता है, अमित शाह जी आते हैं, मोदी जी आते हैं, आएंगे ना अमित जी तो यहाँ शाम को। हम कह रहे हैं 7 दिन के लिए ईडी दे दीजिए, 4 दिन के लिए सीबीआई दे दीजिए, और 1 दिन के लिए अपना मीडिया भी हमें दे दीजिए, फिर देखिए कौन कौन आता है हमारे पास। साहब हम तो बहुत कुछ सीख लिया पिछले 10 साल, देखे जाइए आगे वाले 10 साल हम क्या करते हैं। लेकिन हाँ, इन लोगों को अपने किए की सजा मिलेगी। जिसने चोरी की उससे पूछिए कि चोरी क्यों की, पैसा कहाँ से आया, क्या ये इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा है, किसका पैसा है, या ये हवाई अड्डे बेचकर जो पैसा मिलता है वो है। जितनी बार बेरोजगार नौजवान उनकी शक्ल देखते हैं, उनको समझ में आ जाता है इस व्यक्ति की वजह से मुझे नौकरी नहीं मिली, इस व्यक्ति की वजह से मेरे पेपर लीक हुए। इंडिया गठबंधन में चल क्या रहा है पवन जी? आपको पता है क्या कि शिवसेना, एकनाथ शिंदे जी की जो शिवसेना है, जिसको मैं नकली शिवसेना कहता हूं, उसको बीजेपी कितनी सीटें देने वाली है नहीं मालूम। आपको पता है कि बीजेपी अपने बाकी एनडीए पार्टनर्स को कितनी सीटें देने वाली है नहीं मालूम। इंडिया गठबंधन ने आम आदमी पार्टी के साथ कितनी सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं वो आपको मालूम है। कश्मीर में जो सीट शेयरिंग हुई है वो आपको मालूम है। उत्तर प्रदेश में जो सीट शेयरिंग हुई है वो आपको मालूम है। फिर भी आप पूछते हैं इंडिया गठबंधन में क्या चल रहा है। आज की तारीख में 2 गठबंधन हैं, उनमें से अगर कोई चल रहा है तो वो सिर्फ इंडिया गठबंधन चल रहा है। एनडीए तो अभी रुका हुआ है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है एनडीए का। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं तो राज्यसभा चुनाव आज और हिमाचल, उत्तर प्रदेश, इनसे जो खबरें आ रही हैं वो आपके लिए अच्छी नहीं है। इसलिए मैं पूछ रहा हूं इंडिया गठबंधन, चाहे वो समाजवादी पार्टी के विधायक हो, चाहे कांग्रेस के विधायक हो, सबके क्रॉस वोटिंग करने की खबरें आ रही हैं बीजेपी के लिए। क्रॉस वोटिंग कर्नाटक में भी हुई, बीजेपी का कुछ वोट हमें मिल गया, तो खबरें उनके लिए अच्छी नहीं है। होता है कई जगह हमारे कुछ लोग दबाव में आए होंगे और वहां गलत वोट दे दिया होगा, समाजवादी के साथ भी ऐसा हुआ, यही बात कर्नाटक में भाजपा के साथ भी हुई। तो आप कह रहे हैं सब कुछ ठीक है? देखे जाइए, देश में सब कुछ ठीक नहीं है, देश की राजनीति में भी सब कुछ ठीक नहीं है। अगर देश की राजनीति में सब कुछ ठीक होता तो हम सबको एक होने की जरूरत नहीं होती, हम लड़ लेते अपने अपने तरीके से। लेकिन ये आवश्यक हुआ कि हम मिलकर लड़ें, क्योंकि देश की राजनीति आज इस मुकाम पर खड़ी है जहां अगर आज हम नहीं मिले तो ये लोग सब हमें माफ नहीं करेंगे। आतिशी, मेरा अगला सवाल आपसे है। पवन जी तो बड़े कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि हम सब एक हैं, हमारा सेशन का नाम भी है हम सब एक हैं, लेकिन वाकई आप लोग एक हैं? क्योंकि जब मैं ये बोलता हूं तो दिल्ली में तो आपकी सीट शेयरिंग होती है, पंजाब में आप अलग अलग लड़ रहे हैं। देखिए, किसी भी गठबंधन का कोई पॉलिटिकल पर्पस होता है और मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पर्पस है आज के दिन भारतीय जनता पार्टी को हराना, इस देश के संविधान को बचाना। और मुझे खुशी है इस बात की कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, दोनों ही पार्टियों ने बहुत ही मैच्योरिटी से एक साथ मिलके सीट शेयरिंग पर डिस्कशन किया है। और मुझे लगता है कि चाहे वो 5 स्टेट्स में मिलकर चुनाव लड़ना हो या 1 स्टेट में अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला हुआ हो, वो भारतीय जनता पार्टी को हराने के ही उद्देश्य से हुआ है और राजनीतिक समझदारी से हुआ है। राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव दिखे, तेजस्वी यादव दिखे, अरविंद केजरीवाल अभी तक नहीं दिखे, तो आगे चलकर क्या हम देखेंगे दोनों को साथ में? बिल्कुल देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे। अरे जब हमने अपनी घोषणा इकट्ठे कर दी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आतिशी जी थी उसमें, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हमने अपनी सीटों की घोषणा कर दी, उसके बाद आपको कोई संशय है मन में, ये मुझे समझ में नहीं आया। ये उम्मीद जरूर है भाजपा की कि ये इकट्ठे ना दिखें, इनमें कोई टूट फूट हो जाए, प्रयास पूरा कर रहे हैं। जो 400 पार का अगर इतना आत्मविश्वास है तो ये तोड़फोड़ की क्या जरूरत है? लगता है आपको कल नरेंद्र मोदी जी यहाँ आए थे, बड़ा बुरा लग रहा था मुझे उन्हें देखकर, टीवी पर देख रहा था, मुंह सूखा हुआ था। अरे अगर प्रधानमंत्री को इतना आत्मविश्वास है 400 पार का, तो ये मुंह क्यों सूखा हुआ है, ये हलक क्यों सूखा हुआ है, ये तोड़फोड़ की क्यों जरूरत पड़ रही? कभी कांग्रेस से किसी को ले जा रहे हैं, कभी किसी और पार्टी से किसी को ले जा रहे हैं, आवश्यकता क्या पड़ी? यहां से समझ में आता है कि ये 400 पार ये सब जो है कहने की बातें, दरअसल डर लगा हुआ है। आप कह रहे डर है उनमें, और ये डर बड़ा अच्छा है। लेकिन क्योंकि हम लोग खबरनवीस क्या होते हैं, हमेशा खबर ढूंढते हैं, पवन जी आप तो बहुत अच्छा से समझते हैं, ये एक बहुत बड़ी खबर होगी कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के साथ साथ आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स की सीट पर भी प्रचार करने जाएंगे, तो वोट मांगने जाएंगे, ये होगा? अरे जब हम इकट्ठे लड़ रहे हैं तो जाहिर बात है हम एक दूसरे के लिए प्रचार भी करेंगे। और अगर आपको खबर ढूंढनी है तो मैं आपको खबर देता हूं, पता नहीं आपने वो खबर क्यों नहीं देखी, जहां भाजपा के एक विधायक ने अपने ही गठबंधन के सदस्य, पार्षद शिवसेना का, उस पर गोली चला दी, ये है वहां गठबंधन हो रहा है। खबर तो बहुत है, आप लेते क्यों नहीं उनकी खबर, लीजिए ना जरा खबर उनसे। नवल किशोर जी, हमने अभी हिमाचल की बात की, उत्तर प्रदेश की बात की, बिहार में तो राज्यसभा चुनाव भी नहीं है, उसके बावजूद कांग्रेस और आरजेडी के 3 विधायक आज फिर बीजेपी में चले गए, ये भगदड़ क्यों मची हुई है? देखिए, हर इधर उधर जाने का एक कारण होता है, जब नीतीश कुमार जी नहीं बता पाए
हमने सार्वजनिक तौर से उनसे पूछा, जब देश में आप खबर चला रहे थे कुछ जाने वाले हैं, हमको विश्वास नहीं था, फिर हमने उनसे पूछा भी, अपील भी किया कि इसका कारण तो बता दीजिए कि ये सही है या गलत है। तो जब वो नहीं बताए तो फिर हम विधायकों के विषय में क्या बोल सकते हैं। उनकी इच्छा है, जहां जाएं ठीक से रहें और उनके लिए काम करें। हमने तो उनको जिताया था देश का सेवा करने के लिए, बिहार का सेवा करने के लिए, और हमने 17 महीने वो काम करके दिखाया कि कैसे युवाओं का या बिहार के लिए नए विकास का दौर हम कैसे शुरू कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं आज के डेट में 20 तारीख से जो जन विश्वास यात्रा शुरू हुई है उसमें उसकी झलक आपको दिख रही है, और वह परेशानी का कारण बना हुआ है। ये भी एक कारण हो सकता है कि जिसको डरा धमका कर चाहे उसको अपने पाले में ला सकते हैं। या एक्चुअली ये सवाल ही आप गलत पूछ रहे हैं। सवाल इट ऑलमोस्ट सीम्स कि जिसके विधायक जा रहे हैं उसकी गलती है। सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से पूछिए, विधायक क्यों खरीद रहे हैं, करोड़ों रुपए क्यों लगा रहे हैं, ईडी सीबीआई को दूसरी पार्टियों के पीछे क्यों छोड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन के हर पार्टी के हर नेता के पीछे अपनी ईडी सीबीआई क्यों छोड़ दी है, और जब वो विपक्ष के नेता आपकी पार्टी में आ जाते हैं तो क्यों सीबीआई ईडी के केस बंद हो जाते हैं, क्यों छगन भुजबल की फाइल गायब हो जाती है, क्यों अजीत पवार का केस बंद हो जाता है, क्यों हेमंत बिस्वा सरमा के स्कैम खत्म हो जाते हैं। तो सवाल तो आपको भारतीय जनता पार्टी से पूछना पड़ेगा। और मीडिया डेमोक्रेसी का एक स्तंभ है, आपकी भी जिम्मेदारी है सारी पब्लिक को बताना कि जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो लोकतंत्र को खत्म कर रही है। एक एक करके हर एजेंसी का मिसयूज हो रहा है। आप इस तरह देखिए, इलेक्शन कमीशन के लिए वो कानून लेके आ जाते हैं कि 3 मेंबर कमेटी में 2 भारतीय जनता पार्टी के रहेंगे। क्या वो खबर नहीं है पब्लिक को बताने के लिए? जो सीएजी का ऑडिटर आयुष्मान भारत का स्कैम दिखाता है, उसको पेपर पे लेके आता है, उसका अगले दिन ट्रांसफर हो जाता है, क्या ये लोकतंत्र का हनन नहीं है? हमने तो सवाल ये है कि लोकतंत्र पर हमला भारतीय जनता पार्टी कर रही है, विधायक तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, डराने धमकाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमने ये सवाल आज दिन भर पूछा, बीजेपी के कई नेताओं से पूछा, केंद्रीय मंत्रियों से पूछा, हमने पूछा कि आखिर वो कौन सा मैग्नेट है जो बीजेपी की तरफ लोग चले आते हैं, और क्या उस मैग्नेट का नाम ईडी है? उन्होंने कहा नहीं, उस मैग्नेट का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व की वजह से लोग चले आ रहे हैं और वो चाहते हैं राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। आप इस बात पे विश्वास करते हैं क्या? मैं ये जानना चाहती हूँ। विश्वास नहीं करती है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या मैग्नेट है जो एक पार्टी से विधायक जीत के आते हैं दूसरी में चले जाते हैं? कर्नाटका में क्या मैग्नेट है, गोवा में क्या मैग्नेट है? भाई अगर इतना ही मैग्नेट था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तो वो सीटें जीत के आ जाते, विधायक जीत के आ जाते, सांसद जीत के आ जाते। उनको अगर 400 पार करने का इतना कॉन्फिडेंस है तो क्यों सारे विपक्षी नेताओं के पीछे ईडी छोड़ी हुई है, क्यों सबके पीछे सीबीआई छोड़ी हुई है? पवन जी, आप 7 दिन के लिए ईडी हमें दे दीजिए, मोदी जी आ जाएंगे हमारे पास, लिख लीजिए आ जाएंगे। और हो सकता है प्रतियोगिता होगी, पहले कौन आता है, अमित शाह जी आते हैं, मोदी जी आते हैं, आएंगे ना अमित जी तो यहाँ शाम को पूछेगा। हम कह रहे हैं 7 दिन के लिए ईडी दे दीजिए, 4 दिन के लिए सीबीआई दे दीजिए, और 1 दिन के लिए अपना मीडिया भी हमें दे दीजिए, फिर देखिए कौन कौन आता है हमारे पास। तो पवन खेड़ा ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो जो वो आरोप बीजेपी पर लगाती है ईडी के दुरुपयोग का, वो भी वही करेंगे। साहब हम तो बहुत कुछ सीख लिए पिछले 10 साल, देखे जाइए आगे वाले 10 साल हम क्या करते हैं। सिखा डरा रहे हैं इनको, नहीं आप लोगों को नहीं, इन लोगों को सिखा देंगे कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चलकर भी राजनीति की जा सकती है। लेकिन हाँ, इन लोगों को अपने किए की सजा मिलेगी और बराबर मिलेगी, ना केवल उन अधिकारियों को मिलेगी जो आज ईडी और सीबीआई में बैठे हैं, ना केवल भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को सजा मिलेगी, हाँ मीडिया को जरूर थोड़ा सा आत्मचिंतन करना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गठबंधन पर एक बड़ा हमला किया उन्होंने, और उन्होंने कहा माल वही पैकिंग नहीं, और वो कह रहे थे कि उत्तर अपने संसदीय क्षेत्र में कह रहे थे कि इस बार 80 की 80 सीटें यूपी की हमें मिलेंगी। वो कह रहे हैं ये ट्राइड एंड टेस्टेड गठबंधन है, पहले भी हो चुका है, हार गए एक दूसरे को, फिर एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने लगते हैं, जब परिणाम दिल बटे सन्नाटा होता है फिर एक साथ आ गए। साल हो गए उनके लिए तो हम यही कहेंगे माल नहीं पैकेज नहीं, वहां माल है ही नहीं सिर्फ पैकेजिंग है, रोज 4-4 बार कपड़े बदलते हैं। अरे साहब आपको प्रधानमंत्री बनाया कुछ करिए ना, 45 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूटा है, 400 रुपए का सिलेंडर 1100 में बिक रहा है, 60 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए में बिक रहा है, नए नए कपड़े पहन के साहब चले आते हैं, मेकअप भी करते हैं, बाकायदा करते हैं, सुबह से शाम तक एक आदमी का चेहरा इतना लाल दिखता है क्या? मेरा तो नहीं दिखता, आपका भी नहीं दिखता, बताइए कैसे दिखता है? तो माल नहीं पैकेज नहीं, हर बार नया नारा लाकर देंगे, और हमें और आपको नारों में बिजी रखेंगे, भावनाओं में बिजी रखेंगे, किसी को गुस्सा दिलवाएंगे, किसी को दुख पैदा करेंगे, किसी के अंदर नफरत पैदा करेंगे, क्या ऐसा ये काम है प्रधानमंत्री का? क्या इसलिए आपको सरकार में बनाया था? हमें आपस में लड़वाते रहिए और आप सत्ता भोगते रहिए, कपड़े बदलते रहिए, ऐसे होता है, ऐसे देश चलाया जाता है? नहीं, लेकिन जब हम इंडिया गठबंधन की बात करते हैं
तो इस गठबंधन में वो पार्टी भी है आपके साथ जिसका जन्म आपके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लगाकर हुआ, वो आपके साथ है और आप भी है इस गठबंधन में जो हमेशा उनके खिलाफ लड़ते रहे। क्या ये इंडिया गठबंधन विचारधारा का गठबंधन है या केवल सत्ता पाने का गठबंधन है? यह इंडिया गठबंधन एक कॉमन विचार है, हम सबका एक विचार है। क्या है वो विचार? कि आज संविधान खतरे में है, आज बाबा साहब अंबेडकर ने जो हमें मूल मंत्र दिया था इस संविधान में वो खतरे में है, आज हम सबकी आजादी खतरे में है। आज दिख नहीं रहा लेकिन जो हो रहा है वो थोड़े सालों बाद इन सबको दिखेगा। आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई लड़ने का विचार लेकर हम इकट्ठे आए, उसके लिए कुछ समझौते हमने किए, कुछ सीटें हमने छोड़ दी, कुछ इन्होंने छोड़ दी, लेकिन ये समझौते इसलिए जरूरी हैं कि हमें इन लोगों को सत्ता से बाहर तो करना ही है, खुद सरकार में आना है, ताकि जो 10 साल में इन्होंने पूरे देश को जिस तरह से पिछड़ा है, जिस तरह से संविधान के ऊपर जो हमले हुए हैं, अगर उसको दुरुस्त करना है तो हमें सत्ता में आना जरूरी है और उसके लिए कुछ समझौते करने जरूरी है। आदेशी, मैं आ रहा हूं नवल जी आपके पास। आदेशी, जब मैंने ये कहा तो आप तो उसी पार्टी से हैं जिसने रामलीला मैदान में आंदोलन किया और कहा कि कांग्रेस की जो मौजूदा सरकार है उसमें बहुत भ्रष्टाचार है, बाकायदा आप लोगों ने लिस्ट गिनाई और फिर आज आप उन्हीं के साथ सीट शेयरिंग कर रहे हैं, तो ये विचारधारा का गठबंधन है या केवल मोदी को हटाने का गठबंधन है? ये देश के संविधान को बचाने का गठबंधन है गौरव जी, ये इस देश के लोकतंत्र को बचाने का गठबंधन है। अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ भी लड़ाई लड़नी है तो देश का संविधान चाहिए, अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़नी है तो इंडिपेंडेंट एजेंसीज चाहिए, अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो एक इंडिपेंडेंट मीडिया चाहिए। देखिए आज जो भारत की परिस्थिति हो रही है ना जी, आज भारतीय जनता पार्टी भारत को पाकिस्तान बनाने पे तुली हुई है कि एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ पे चुनाव हो रहा है और चुनाव के नतीजे क्या आ रहे हैं, चुनाव जीता कौन है किसी को पता ही नहीं है। भारत के इससे पहले आपने नॉर्थ कोरिया कहा था, आज पाकिस्तान, उपमाएं चेंज होती जा रही है। हाँ जी, इससे पहले आपकी पार्टी ने नॉर्थ कोरिया कहा था, इसके पहले नॉर्थ कोरिया कहा था, पर सिचुएशन तो यही है ना। आज आप देखिए कि आज हम जब पाकिस्तान का चुनाव देखते हैं तो हमें इस बात से अचंभा होता है कि चुनाव हो गया, काउंटिंग हो गई, लेकिन आपको पता ही नहीं चल रहा कि चुनाव जीता कौन। क्या आप सोच सकते हैं कि भारत में ऐसी परिस्थिति हो सकती है? लेकिन आज हम धीरे धीरे करके हर संस्था को खत्म करके इसी ओर जा रहे हैं। आज पूरे देश ने देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से चुनाव की चोरी करती है। चंडीगढ़ का मेयर इलेक्शन अभी होता है तो खुल्लम खुल्ला दिखता है कि उनका प्रिजाइडिंग ऑफिसर वोट को डिफेस कर रहा है, चुनाव को चोरी कर रहा है। यहां तक कि अब एक छोटे से चुनाव को बचाने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इंटरफेयर करने के कहना पड़ता है, तो ठीक है, हम लोकतंत्र की हत्या नहीं सहेंगे। आप मुझे बताइए, लोगों के वोट के अधिकार को बचाना क्या ये पर्याप्त कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है? लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार को बचाना, इस देश के संविधान को बचाना, इससे बड़ा प्रोग्राम मुझे लगता नहीं है किसी पार्टी का हो सकता है, मुझे लगता नहीं है किसी अलायंस का। ठीक है, लेकिन आप तो कट्टर ईमानदार वाली पार्टी से हैं और वो लोग सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले ही आपके 3 पार्षद चले गए उधर। तो ये सवाल तो आप इनसे पूछिए कि खरीदने वाला पैसा उनके पास ईमानदारी से कहां से आया? आपके 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 आपके, आपके पार्षद, आपके विधायक, आपके सांसद बिकने को क्यों तैयार हैं? आप मुझे ये बताइए, भ्रष्टाचार का पैसा कहां से आया? करोड़ों रुपए के जो विधायक खरीद रहे होंगे, मतलब कोई अगर पैसे लेकर खड़ा है तो तैयार है बिकने के लिए आपके विधायक? ईडी और सीबीआई, जैसा पवन जी ने कहा, ईडी सीबीआई हमें 2 दिन के लिए दे दीजिए, सारे राज्यों में सरकार हम बना लेंगे। मतलब आप सरकार ईडी से बनेगी, इलेक्शन से नहीं बनेगी? ये बिल्कुल साफ है। आप मुझे बताइए, ऐसा कैसे हो जाता है कि हेमंत बिस्व शर्मा की भ्रष्टाचार पे पूरी बुकलेट निकालती है भारतीय जनता पार्टी, हेमंत बिस्व शर्मा भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं तो सारे ईडी के केस खत्म, सारे सीबीआई के केस खत्म, सारा भ्रष्टाचार खत्म, भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन। तो फिर जो दूसरी पार्टियों से, सुनिए, तो फिर जो दूसरी, आतिशी जी एक मेरा सवाल ले लीजिए, मेरे पास समय कम है, मेरा सवाल ले लीजिए, इसी में उसी में जोड़ लीजिए, आपकी पार्टी में जो दूसरी पार्टियों से नेता आते हैं, चाहे वो गुजरात में आए हो, चाहे वो गोवा में आए हो और चाहे दिल्ली में आए हो, जिनको आपने आज टिकट भी दे दिया है, आपने भी क्या पैसा दिया उनको? देखिए गौरव जी, कोई व्यक्ति अगर पैसा लेके दबाव में आके जेल जाने की धमकी से एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है तो सवाल आपको पूछना होगा उससे जो पैसा दे रहा है, जो भ्रष्टाचार का पैसा ऑफर कर रहा है, जो अपनी ईडी सीबीआई लेकर आ रहा है। और उसके बाद आप कहते हैं कि मोदी जी का मैग्नेट है, तो भारतीय जनता पार्टी वाले बताएं ना, पश्चिम बंगाल में कितने चुनाव उन्होंने लड़ डाले शुभेंदु अधिकारी के भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए। कभी कहते थे शारदा स्कैम, कभी कहते थे नारदा स्कैम, कभी कहते थे चिटफंड स्कैम। जब शुभेंदु अधिकारी उनकी पार्टी में आ जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में घुल जाते हैं, पाक साफ हो जाते हैं, सारा भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है। देश की जनता बेवकूफ नहीं है पवन जी, देश की जनता सब कुछ देख रही है। दागी क्यों? कि उनको धुलने की जरूरत पड़ रही है। बात ये नहीं है, बात ये है, मेरे घर में कोई चोरी करे और आप मुझे आकर डांटे कि ताला क्यों नहीं लगाया था, अरे चोर को पकड़िए ना, वो घुसा क्यों मेरे घर में,
बताइए, आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं आतिशी जी से और हमसे और नवल किशोर जी से कि साहब आपके विधायक क्यों चले गए? जिसने चोरी की उससे पूछिए कि चोरी क्यों की, पैसा कहां से आया, क्या ये इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा है, किसका पैसा है, या ये हवाई अड्डे बेचकर जो पैसा मिलता है वो है, या कोयले की खदान बेचकर जो पैसा मिलता है वो है, ये पैसा आया कहां से, हम ये जानना चाहते हैं। पवन जी, ये कोई पहली बार हुआ है? कर्नाटक में कितने बीजेपी के नेता आपकी पार्टी में आए, तो फिर तो ये सवाल आपसे भी पूछा जा सकता है। कुल पूछिए, क्या ईडी हमारे पास है कि हम उन्हें डरा सके? बिना डर के आए बताइए, सीबीआई तो हमारे पास नहीं है, हमारे पास तो कोई एजेंसी नहीं है, फिर भी अगर हमारे पास कोई आ रहा है तो वाकई अंतरात्मा की आवाज सुनकर आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनडीए का सबसे बड़ा ब्रांड या उनकी सबसे बड़ी यूएसपी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इंडिया गठबंधन की यूएसपी क्या है? हमारी सबसे बड़ी यूएसपी नरेंद्र मोदी, वो जितनी बार टीवी पर आते हैं हमारे वोट बढ़ाकर जा रहे हैं आजकल, और जितनी बार वो बाहर निकलते हैं रैलियां करते हैं हमारी सीटें बढ़ाते हुए निकल रहे हैं। आगे आगे देखिए, हम तो चाहते हैं कि अगले 3 महीने प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा घूमें, बार बार प्रचार करें, जितनी बार बेरोजगार नौजवान उनकी शक्ल देखते हैं उनको समझ में आ जाता है इस व्यक्ति की वजह से मुझे नौकरी नहीं मिली, इस व्यक्ति की वजह से मेरे पेपर लीक हुए, इस व्यक्ति की वजह से मुझे पेट्रोल महंगा मिलता है, इस व्यक्ति की वजह से मेरे बहन की इज्जत पर किसी ने हाथ डाला, वो जितनी बार घूमते हैं हमारे वोट बढ़ाते हुए जाते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। छोटा सा सवाल, क्या कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन की धुरी है जिस पर वो पूरा गठबंधन चारों तरफ घूम रहा है? क्या कांग्रेस पार्टी ना हो तो ये गठबंधन ना हो? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया नेशनल कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और उसका रहना इस गठबंधन में बहुत जरूरी है। ये लगातार हमारी पार्टी भी कहती रही है, और जो लोग गठबंधन में इस बात को मानते हैं कि अगर जो दो धुरी है, आप यूपी एनडीए का पहले भी देखेंगे तो दो धुरी में दोनों में नेशनल पार्टी थे, तो नेशनल पार्टी के रूप में और बड़े दल के रूप में तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यक्रम पर अपने, तो मैं एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, फिर राहुल गांधी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, क्या उनसे उससे जो माहौल उनके पक्ष में अगर बन रहा है तो क्या वो पीएम पद की दावेदारी उनकी मजबूत हो रही है इंडिया गठबंधन में? नहीं, देखिए, ये जो न्याय यात्रा है या भारत जोड़ो यात्रा था, वो लोगों को मुद्दों के आधार पे मोदी को घेरने की यात्रा थी। जो काम वो गलत काम मोदी जी कर रहे हैं पिछले 10 साल से लोगों को भटका रहे हैं उसको उजागर करने की बात थी, और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। अभी बिहार में जो यात्रा चल रही है जन विश्वास रैली, उसमें भी बहुत अच्छे से पता चल रहा है कि नीतीश जी कैसे मोदी जी के द्वारा भड़काए गए वहां पे। क्या बात है, अब बताइए मैं क्या करूंगा। एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूं। अपने हाथ को इस तरह से रखिए, If you look at this from your side, आपका left hand आपको B के जैसे दिखेगा और right hand आपको D के जैसे दिखेगा। B and D. B for थोड़ी मदद रखिए। वे मैं थो तेरा मन पर आ।